Morning friends, today we are going to discuss another question on blood relationship. So our question is, if A is the brother of B, B is the sister of C, and C is the father of D, and D, how D is related to A? So these are the options. तो सबसे पहले हम ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पे जाएंगे, थोड़ा बहुत से इसको बनाना शुरू कर देंगे डायग्राम्स. तो पहला है A is the brother of B. A is the brother of B. तो A क्या है? ब्रदर. तो ये मेल है, इसको बॉक्स से करेंगे. इसका बी का, बी का जेंडर अभी तक नहीं है. बी इज द सिस्टर ऑफ सी. अब वो क्या है? बी सिस्टर है. तो बी इज द सिस्टर इसकी, सी की, सी. एंड सी इज द फादर ऑफ डी. सी जो फादर, सी क्या है? फादर किसका? बी का. तो स्टेटमेंट खत्म हो गई. हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी रिलेटेड टू ए. ठीक है, हम क्या करते हैं, x x रिलेटेड टू y, मतलब पहले वाले का रिलेशन देखना है हमें. तो जो b है ये नीचे है, मतलब ये इनका ये भाई बहन है और इनका ये बच्चा है, इसका बच्चा है d. तो हमें पूछा ये b है क्या? अब यहाँ पर b का जो जेंडर है वो डिफाइन नहीं है कि g लड़का है या लड़की है. अगर g लड़की होती तो हम पता बोल देते कि d रिलेटेड टू a, मतलब d रिलेटेड टू a, ये इसका भाई है और ये मतलब जो डी है वो क्या लगा इसका, ये बुआ हो गई या ये बुआ हो गई. लेकिन डी का जेंडर नहीं है. अगर डी का जेंडर नहीं है तो फिर इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. हाँ, अगर पूछा होता हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए टू डी, ए A to D, तो ये इसका पिता है और पिता क्या? भाई. तो A related to D, A क्या लग रहा है? चाचा या ताऊ. तो अंकल. तो ऑप्शन आ जाना था, फिर आंसर आ जाना था अगर ऐसे आता. बट यहाँ पर है D related to A, D का जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम अपनी मर्जी से जेंडर नहीं लगा सकते. तो फ्रेंड्स इसका पहले बार इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अगर पूछा होता A related to D तो अंकल या ताऊ या चाचा लगा इसे, क्योंकि ये पिता और पिता की बहन और भाई. तो फ्रेंड्स मैं धन्यवाद करता हूँ हम तक देखने के लिए. जय हिंद.